जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है पहला चैप्टर वो है हेलोएनकेंस और हेलोएरिंस। तो इसको समझेंगे, हेलोएनकेंस किसको कहते हैं और हेलोएरिंस को सबसे पहले समझेंगे। तो इससे पहले जो हमें एक पॉइंट समझना वो है ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड, ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव्स को जो है ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड जितने भी हेलो एल्केन्स कंपाउंड हैं या हेलो एरिंस कंपाउंड सब जो ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड है। तो ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड जो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव्स को जो है ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड कहलाते हैं। जहाँ पर जो है हम हेलोजन को एक्स से सूचित करते हैं और एक्स से सूचित करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये होता है। अब जो है मान लीजिए कि हम एल्केन को जो है एल्केन की जो हम क्रिया कराते हैं वो हेलोजन फैमिली के साथ, यहाँ पर जो एक हेलोजन फैमिली जुटेगी तो एक हाइड्रोजन जो है माइनस हो जाएगा, हेलोजन जुटेगा तो एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर तब ये जो बनाएगा एल्काइल हैलाइड बनाएगा, ये बनाएगा एल्काइल हैलाइड। तो इसी को जो है बोलते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। उसी प्रकार जो एरिन्स तो ये हो जाएगा एरिन। तो एरिन में भी जब एक एक्स जुटता है, जब एक हेलोजन फैमिली जुटती है और एक हाइड्रोजन फैमिली तब घटती है, एक हेलोजन फैमिली जुटने पर जो एक हाइड्रोजन जो है घट जाती है तब जो ये बनाता है तब ये एरिल हैलाइड बनाता है। ये जो एरिल हैलाइड बनाता है या इसी को जो हेलो एरिन्स कहते हैं, इसी को हेलो एरिन्स कहते हैं। तो हम भली भांति समझ गए हेलो एल्केन और हेलो एरिन किस प्रकार जो है पनपते हैं। तो ये जो एल्केन्स के एल्केन की अभिक्रिया जब हेलोजन फैमिली से होती है तब जो एक हेलोजन फैमिली जुटने पर जो एक हाइड्रोजन जो है कट हो जाता है, तो एक हाइड्रोजन जो है माइनस हो जाता है, तब जो एल्किल हैलाइड बनता है जिसे हम जो हेलो एल्केन्स कहते हैं। और एरिन की अभिक्रिया जब हेलोजन फैमिली से कराई जाती है तब एरिन हैलाइड बनता है और जिसे हम हेलो एरिन्स कहते हैं। तो ये जो एरिन और ये जो एल्केन, अब मान लीजिए हम इथेन की अभिक्रिया, इथेन की अभिक्रिया जो है हेलोजन फैमिली मान लीजिए हम ब्रोमीन से कराते हैं, तो ब्रोमीन जुटेगा तो हाइड्रोजन एक माइनस हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो आएगा ये H3C ये हो जाएगा CH2 और ये बचेगा Br, तो ये बनेगा ब्रोमो इथेन। जब इथेन की अभिक्रिया जब हम ब्रोमीन से कराएंगे तब जो ये बनाएगा ब्रोमो इथेन बनाएगा, ये जो है ब्रोमो इथेन बनाएगा, तो ये बनाएगा ब्रोमो इथेन। अब जो है उसके बाद जो यहाँ पर आता है कि इसी प्रकार जो है एरिन में मान लीजिए हम एरिन में जो है हम लेते हैं बेंजीन को, यहाँ पर हम मान लीजिए बेंजीन को लेते हैं, ये बेंजीन को अब इसकी अभिक्रिया हम ब्रोमीन से कराते हैं तो एक ब्रोमीन जुटेगा तो एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, तो ये बनाएगा ब्रोमो बेंजीन, ये जो है ब्रोमो बेंजीन बनाएगा। तो ये इस प्रकार जो है जुटेगा तो ये बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन। तो इसके अलावा एक और होता है जिसमें कि हम जो एल्काइल को जुटाते हैं, जब हम एल्काइल को जुटाते हैं सॉरी एल्कीन को जुटाते हैं, हम जब एल्कीन की अभिक्रिया एल्कीन की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें एक इसमें भी जो है एक हेलोजन फैमिली जुटती है तो एक हाइड्रोजन माइनस हो जाता है। ये जो है विनाइलिक हैलाइड बनाता है, ये जो है विनाइलिक हैलाइड बनाता है, ये जो है विनाइलिक हैलाइड बनाती है, या इसको एल्काइलिक भी कहते हैं, एल्काइलिक भी कहते हैं, इसको एल्काइलिक भी कहते हैं या इसको विनाइलिक हैलाइड भी कहते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स फैमिली में एक और मेम्बर्स होते हैं जिसको है वो है विनाइलिक हैलाइड। तो ये हम भली भांति समझ गए हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स किस प्रकार पनपते हैं। एल्केन्स से जो हेलो एल्केन्स पनपते हैं, एरिन से जो हेलो एरिन्स पनपते हैं, और एल्काइलिक जो पनपता है या विनाइलिक हैलाइड जो पनपता है वो एल्काइन से पनपता है। ये हम भली भांति समझ, अगर इसका हम जनरल फार्मूला बनाना चाहें हेलो एल्केन्स का, या हम एल्केन का भली भांति समझ लेते, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, और जब इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन फैमिली से कराएंगे तो एक हाइड्रोजन फैमिली जुटेगी तो एक हाइड्रोजन घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन तब इसमें माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा CnH2n
प्लस वन, क्योंकि एक हाइड्रोजन फैमिली माइनस हो जाएगी क्योंकि जो एक हेलोजन फैमिली यहाँ पर जुटेगी, तो ये बन जाएगा हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला। इसी प्रकार जो एरिन एरिन का जो जनरल फार्मूला नहीं होता है इसलिए ये नहीं बनेगा, लेकिन फिर एल्काइन का बनेगा, तो ये बनेगा सी एन एच टू एन। इसमें जब हेलोजन फैमिली जुटेगी और एक हाइड्रोजन माइनस हो जाए तो ये बनेगा सी एन एच टू एन, सी एन एच टू एन, एच टू एन माइनस वन और एक्स, ये बनेगा एल्काइन फैमिली का। तो ये बैनालिक हैलाइड का जनरल फार्मूला आता है और ये हेलो एल्केन्स का। तो ये जो है हेलो एल्केन्स और ये हेलो एरिन्स का परिचय था। अब इसे संबंधित जो पॉइंट को हम बारीकी से जो है अगले वीडियो में समझेंगे।